अच्छा मतलब जो पहले बंदा टैटूअर बनता है वो पहले टेम्परेरी पे काम करता है। Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel. I'm Tara Vlogs. Hopefully, आप सबों की बढ़िया guys, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो अभी की बात ऐसी कि अभी मैं भगा ही घर आया था थोड़ी देर, कुछ काम था। अभी यहाँ से चलते हैं अपा विक्रम भैया के पास, टैटूज वाले, आपने देखा होगा पीरियड पहले व्लॉग्स में देखा होगा तो, और उसके बाद घर चलते हैं। बीटेक वाले भैया कैसे हो? बढ़िया। मैंने आपका नया नाम सोचा, एक बीटेक टैटू वाला। और कैसे चल रहा है काम? बढ़िया। और भैया कैसे हो आप? नया वर्क चल रहा है? टेम्परेरी है। अच्छा ठीक है। अच्छा मतलब जो पहले बंदा टैटूअर बनता है वो पहले टेम्परेरी पे काम करता है फिर परमानेंट पे? ये तो इनको आता है टैटू का, महाराष्ट्र। अच्छा महाराष्ट्र से हैं भैया? महाराष्ट्र से सीख के हैं। ओह महाराष्ट्र में मेरे बहुत दोस्त हैं। मैंने अभी बताया वीडियो में, मैं आज विक्रम भैया पास जाऊंगा, बहुत दिन हो गए, आज चल के आते हैं विक्रम भैया के पास। मस्त चल रहा है काम? मैं तो सोच रहा था मैंने नाम रखा मस्त सा मेरे माइंड में, बीटेक टैटू वाला, जैसे एमबीए चाय वाला है ना, बीटेक टैटू वाला। तो गाइस अभी हम बीटेक टैटू वाले भैया से मिल रहे हैं। बहुत बड़े पैसे नहीं, अरे मस्त है, कट क्यों करना, इतना तो मस्त है काम, कैसे मस्त है मस्त। अगर आपको टैटू बनवाना हो ना सिरसा में आना, बहुत मस्त टैटू बनेगा, क्योंकि यार फिर भैया आप बढ़िया टैटू के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। अब दो ही चॉइस आपके पास, मुंबई या सिरसा। अब आना सिरसा पड़ेगा, अभी कर मैं टैटूज ये देखो, पीछे तारीफ की आदत नहीं है भाई। नहीं देखो वर्क अच्छा है ना, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग डाला था ना उसपे भी खास बहुत व्यूज गए टैटू वाला। अरे उसकी शक्ल दिख रही है। आप लोग अंदर के घुस के बाहर आओ, अरे आओ तो बाहर लो बात नहीं रहे, मैं सच्ची कह रहा हूँ व्यूज आए थे, बोले मेरे पे विश्वास ही नहीं है। मानना मैं शक्ल से नहीं दिखता ढंग का, ऐसे थोड़ी है, आप विश्वास नहीं करोगे भैया। भैया मैं वो नहीं दिखाने वाला शक्ल। तो अभी विक्रम भैया से मिल ले, अभी घर जाता हूँ क्योंकि मम्मी सुनाएगी वरना मेरे को बहुत देर होगी मेरे को बाहर घूमते हुए। ठीक है तो फिर मिलेंगे। ओके भैया। सो गाइस मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके गया था तो अभी मेरे को लंच में मिला है रोटी और करेले की सब्जी। सो गाइस अभी लंच तो कर लिया था लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ अनिल सर के घर पे। अनिल सर के पास मैंने परमिशन ली थी कि आपके अकेडमी में आके ब्लॉग भी बना लूँ क्या मैं, तो सर ने हाँ कह दिया था। और हाँ कोई मेरे को यूँ भी कह रहा था कि आपकी सोसाइटी का टूर दो, मतलब मिनी सेक्रेटरीट का, पुराने वाले क्वार्टर्स का, तो वो भी जल्दी बनाऊंगा। अभी पहले अनिल सर के पास चलते हैं। अभी मैं सर के पास तो आ गया बट सर अभी अंदर होंगे ऑफिस में, तब तक मैं सबसे पहले जाऊँ दादी पास। दादी नमस्ते। ओ ठीक हो, आशीर्वाद कौन दो? गाइस अभी तो मैं ना वहाँ पे मतलब ऑफिस में बैठ के आ गया, पॉपआउट हो गया था। सर कहते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ क्योंकि पढ़ा रहे थे यार, बैच चल रहे होते हैं तो कहते एक दो दिन में मिलते हैं। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने, थोड़ा बाजार जाना है, चलो चलते हैं। मम्मी और मेरा भाई वहीं मिल जाएंगे मेरे को। तो गाइस अभी मैं शॉपिंग करने आया हूँ यहाँ पे लोफर स्टाइल पे, मम्मी और तो अंदर ही हैं, वो चूज करने लग रहे सामने, वो रे इधर ही बैठे। हेलो भैया। हेलो भैया। मम्मी और तो इधर बैठे हैं, कौन सी चूज किया मेरे लिए? अच्छा ठीक है, दिखानी नहीं अभी जा रहा। तो अभी गाइस मम्मी ने मेरे कपड़े तो चूज कर लिए हैं और मैं तो हमेशा यहीं पे दुकान पे आता हूँ भैया पास। लास्ट टाइम आपसे कौन सी स्ट्रेट फिट लेके गया? ब्लू स्ट्रेट फिट लेके गया। हां अंकल तो नहीं थे लास्ट टाइम, आप नहीं थे आप तो। हेलो। हाँ हेलो। लेकिन यहाँ पे फिक्स रेट किया और शॉप भी मेरे को अच्छी लगी तो मैं यहीं से लेता हूँ कपड़े मैक्सिमम। तो गाइस अभी मैं घर तो आ गया था, अब फटाफट से डिनर कर लेते क्योंकि 8 बज गया, आते आते घर पे टाइम बहुत हो गया। अभी देखते डिनर में क्या बनाया हम। तो गाइस आज डिनर में मेरे को मिला है तोरी की सब्जी, मलाई मिला, मैंने इसमें और करेले की सब्जी और साथ में रोटी है। डिनर करता हूँ फिर मिलता आपसे।